और नजीता बाई के बीच में हुई लड़ाई। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं रिएक्शन वीडियो। पहली बार इतनी खतरनाक वाली फाइट हुई है नेजी एंड लव कटारे के बीच में, जहाँ पे नेजी एंड लव कटारे एक दूसरे के आंख पे जा रहे थे मारने के लिए। लेकिन फाइट कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, मैं आपसे फटाफट सारी अपडेट देता हूँ और इस फाइट के अंदर क्या क्या बोला गया एक दूसरे को वो भी आप सभी को बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो फटाफट कर दीजिए, क्योंकि मैं आप सभी विशाल पांडे के साथ जहाँ पे नेजी एंड विशाल पांडे आपस में लड़ रहे थे, जबकि एक दूसरे को गुस्सा बता रहे थे। लेकिन ये वाली बात कटारे को अच्छी लगी, क्योंकि आप सभी को बताऊं कटारे विशाल पांडे के दोस्त है। आपसे बता दूं कटारे झगड़े के बीच में कूद जाते हैं, डायरेक्टली नेजी को बहुत सारी बातें बोलना शुरू कर देते हैं। तो खामोश भाई तू मत बोले, मतलब नेजी में भड़कते हुए नजर आते हैं। कटारे नेजी भड़कते, उसके बाद नेजी भी उनके भड़कते कि तू मत बोले, नीच में तेरा हक नहीं बनता बोलने का, गाउटी मतलब गाउटी तक बोल देते। उसके बाद लव कटारे बोलते कि सिर्फ गाउटी नहीं है बल्कि तू भी गाउटी मारेगा भी, मतलब गुस्सा मारेगा, मारने की बात चलती है। और उसी के साथ बात आगे चलते हैं, उसके बाद दोनों एक दूसरे के आंख पे जाते हैं, जहां पे नेजी बोलते कि जाए गाउटी तू मैं चरा दूध दो, मतलब ऐसी कई सारी लैंग्वेज बोलते हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बता नहीं सकता। मतलब डायरेक्टली गाउटी होने में बहुत सारी चीजें बोलते हैं, तुझे यही आता है बोलना मारपीट और दूसरों की बेइज्जती करना, ये नेजी बोलते हैं। लेकिन उसी के साथ जो लव कटारे वो भी लगातार बोलते हुए नजर आ गए थे, वो पता चलेंगे गाउटी है क्या, गाउटी क्या कर सकते हैं, तो सारी चीजें पता चलेंगी। तू जानता नहीं है, तू बस रैप करने में रह जा और डिश निकालने, हमारे डिश वगैरह निकालते हैं डायरेक्ट डेप तक रखते हैं, ये बोलते हैं लव कटारे। फाइट इतनी लंबी चलती है, आप सोचा दोनों इतने एंग्री हो चुके थे कि ऐसा लग रहा था कि आप एक दूसरे को मारेंगे पीटेंगे, लेकिन ये वाली चीज जो घर में मौजूद थे लोगों ने पकड़ लिया एक दूसरे को, इसकी वजह से फाइट आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन आपको बता दूं ये फाइट बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि नेजी की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है और लव कटारे की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। सोशल मीडिया पर लड़ाई शुरू होने वाली है, साथ ही साथ घर में भी ये फाइट बहुत ज्यादा बड़ी हो सकती है, नेजी वर्सेज लव कटारे विशाल पांडे। तो आप इस फाइट के लिए कितना तैयार है और आपको फाइट करने कितना मजा आया, और इसके बारे में आपको अपडेट चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि मैं आपको सारी अपडेट नहीं दूंगा बिग बॉस ओटीटी 3 के बारे में, नेजी एंड लव कटारे के फाइट के बारे में। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके रख लीजिए। सही बात है यार, और सच बताऊं तो अब आने वाला है बिग बॉस में मजा, क्योंकि जब तक लड़ाई नहीं हो रही क्या आएगा बिग बॉस, क्या आएगा मजा नहीं आ रहा। अब हुआ है बिग बॉस का आगाज, अब हुआ है दूसरे हफ्ते में जाके हुआ है यार। स्टार्टअप से करते तो और मजा आता, इतना लेट कर रहे हो लड़ाई, अरे ठीक है अच्छा है, लेकिन कुछ चीजें हद से पार हो जाती है कभी कभी, मेरे ख्याल से यहाँ भी हुई है, पर कोई ना, बिग बॉस को बिग बॉस की तरह ले और आराम से एंजॉय करें। सही बात है, अभी तक छोटी मोटी लड़ाइयाँ वही भेड़ चाले वगैरह लल्लू पंजू लड़ाइयाँ चल रही थी अंदर, अभी थोड़ा सा दिख रहा भैया बिग बॉस में रियल करेक्टर्स बाहर आए लोगों के, तो मजा आएगा अब थोड़ा देखने में। और सबसे बड़ी चीज ये कि अगर बिग बॉस की लड़ाई हो रही है तो वो बिग बॉस तक ही रहे, बाहर ना आए, और ये लोग बाहर आए तो वो दोस्त रहे, मतलब बिग बॉस के अंदर जो भी हो रहा है गेम की तरह है, तो उसको गेम की तरह ले और अवॉइड करे। सही बात है भाई, ये जो छोटे वाला बिग बॉस इसीलिए बोलते हैं इसको, ओटीटी जो बोलते हैं ना, इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ पे फाइट कम होती है, लड़ाइयाँ कम होती है, झगड़े भी कम होते हैं। जो बड़ा वाला बिग बॉस होता है उसको देखने का भी मजा आता है, वहां तो भैया मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, पकड़ लेते हैं भाई, बार पकड़ लेते हैं, वो तो चार महीने से चलता है यार। यहाँ तो चलो सामने सामने थे, इतना ज्यादा कुछ नहीं था, वरना तो भैया अगर बीच में कोई नहीं आता ना, बीच में कोई छुड़ाने के लिए वो हाथ उठ जाता है, फिर कैसे ना कैसे आदमी देखता नहीं है भैया, जो जिसके आ जाती है दिमाग में एक बार चढ़ जाता है ना पारा, फिर बिग बॉस चल रहा है घर क्या कहा हूँ रोड जेब देता है। तो ये चीज है, बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आप किसकी तरफ है कटारिया या फिर नजीदा? बाय, मिलते हैं शानदार वीडियो के साथ, जब तक स्टे ट्यून, बाय।